समझे पढ़ना जैसे अकेले चढ़े लड़ना छुटकारा तो मजा आएगा मजा आएगा तो समझ आएगा मैटी के गाइडेंस में पढ़ना एग्जाम्पल लाइफ़ अब से हर स्टूडेंट बना होगा समझ आएगा तो मजा

बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं वी आर गोइंग टू लर्न अलॉट मेनी थिंग्स वन बाय वन वी आर गोन रिवाइज द चैप्टर एंड अगेन माय एम ऑफ ऑल द सेशंस इज टू टेल यू हाउ रिपेट पैटर्न इज कितना रिपीट हो रहा है पैटर्न टू शो यू दैट आज भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं दैट इज द एम दैट इज द मोटो राइट सो हेलो एवरी वन व्हाट्सअप ठीक है

cracking chemistry is very very easy way too easy with a smile we can do that all right so this first question let's start with, let's not waste any time let's start the session first question to all of you check this out i want the answers now yes i want the answers now this is a you know integer type question this is an integer type question so someone has answered 3 all right i'm waiting for your answers beta i'm waiting for all of your answers very nice

Loving it. Nice. Very good, Ashmit. Check this out. Nice. I like the participation. Keep on flooding it? Yes. Keep on flooding the answers in the comment box. Just like the way you are doing it. Very nice, very nice. Do you want me to give the answer now? Shall I discuss the answer? What is the correct answer? From shall I unravel the answer? Yes or no? Right? Shall I go in? Okay. I'm telling you now. Alright.

लगा दिया नाइट्रोजन हैज अगेन फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट देखिए, एक बॉन्ड बनाया, यह, यहाँ बनाया, टू ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया तो पांचों की इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन यूटिलाइज्ड। सो दिस नाइट्रोजन दिस नाइट्रोजन राइट इसे हटा देता हूं इट विल नॉट द आउटर शेल एंड इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सॉरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉ द नाइट्रोजन मेकिंग इट्स तो यहाँ पे सिक्स लोन पेयर तो रहने ही सिक्स इलेक्ट्रॉन रहने वाले थ्री लोन पेयर रहने वाले हैं वो दिस सो कैन यू वाइस काउंट हाउ मेनी लोन पेयर हाउ मेनी लोन पेयर नाउ चेक दिस आउट आपके सामने है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वट इज द करेक्ट आंसर क्या ऑल राइट अब आ गया सबको तो दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट आंसर इज एट लोन पेयर आठ लोन पेयर आए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस क्वेश्चन के मीन जेई एडवांस जेई एडवांस प्रॉब्लम आपने जे एडवांस प्रॉब्लम सीखी है इट हैजीन आज इन दर ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन सो जस्ट नाउ यू हैव लर्न एन एडवांस प्रॉब्लम ऑफ टू थाउजेंड फिफ्टीन आई होप यू अंडरस्टुंड सबको मजा आया क्लियर हुआ बेहतरीन शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाए असाइनमेंट आर एट दी बॉटम इन द डिस्क्रिप्शन सेशन सो राइट ना आई एम है सेशन विद यू गाइजर विद पुल बहुत अच्छा सेशन था अच्छा क्राउड आता है उनपे आई लाइक दैट ठीक है बहुत सारे पीपल बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं देख नेक्स्ट सेशन इज विद योर सर सूरी सर कोई नहीं सूरी शाह बोलता है आई हैव हर्ड दैट सो नेक्स्ट सेशन इज विद हिम राइट ऑल राइट सो स्टे पैक स्टे यू नो स्टे वेटिंग फॉर दैट सेशन ठीक है बहुत बढ़िया वेरी नाइस ऑसम ऑल राइट नेक्स्ट सो दिस इज मी राइट दिस इज हर्ष हर्ष महेश्वरी एंड येस फॉर माई स्टूडेंट्स आउट देर हु नो मी वेरी गुड हुज एन नो मी नो नो इशूज यू वुड बी नो इंग मी वेरी मच आगे आप जान जाएंगे एंड

सोडियम सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट ठीक है, बोलते हैं। रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वट इज मेनी ऑफ यू नो दैट यस राइट लेट सेल थ्रू केमिस्ट्रीट सेल थ्रू जेमेन्स राइट आराम से ऑसम आई एम गेटिंग ऑल राइट आंसर ब्यूटिफुल मैन ब्यूटिफुल आंसर इज वट answer is oxidation and reduction you guys have been pointing out let me show you how phosphorus plus naOH is going to give you ph 3 and massive h2 po2 minus oxidation number oxidation number of phosphorus will turn out to be minus 3 and here it will turn out to be plus one you guys can check it by yourself do you want me to show you or you already know you already know you can able to you can hear amrit sir why amrit is actually taking the session right there watch your right all right so here -3 plus 1 so this is an example of oxidation and reduction shall i give you one more point Okay, show show so see. ph3 i need to find oxidation number of phosphorus so x plus hydrogen is always plus 1 so 1 because hydrogen is taken three times it will be 0 so x will become -3 so here it is माइनस थ्री टॉक अबाउट दिस आई एम रिमूविंग दिस नाउम रिमूविंग दिस टॉक अबाउट टॉक अबाउट इसको ऐसे लिख सकता हूं एच टू पीओ टू माइनस बी टू बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑलवेज टू टू प्लस मतलब वन इंटू टू कर दिया एक्स प्लस ऑक्सीजन इज ऑलवेज माइनस टू सिंस टू टाइम्स ऑक्सीजन इज देर इंटू टू इज इक्वल टू माइनस वन

Then this same question started, you know this same question appeared again in 2015 up to Utana, 2015, 2016 it appeared again. That time they asked a different question. They asked phosphorus is undergoing in which kind of reaction now since you can see phosphorus is undergoing oxidation is undergoing uh, oxidation. Here oxidation fight, phosphorus will be zero, oxidation number will be zero. it is undergoing oxidation as well as reduction. So phosphorus is undergoing disproportionation as well. It is also going undergoing disproportionation as well. They also asked in this manner. Uh, right now they have given the reaction. When they asked it again, again repeated when this question was repeated, that time, what has happened? They did not give this. You had to know okay, sodium hypophosphite was formed in the process, otherwise, you would not be able to answer. So you also remember the reaction. I have already written the reaction, I have removed it. But make sure you also remember that when you will watch the replay. Okay? I have written there as well. Okay?

What is the answer, guys? Waiting for the, your answers. Waiting for your answers. Someone has answered. Someone, uh, Chirag has answered. No, no, Chirag, no, Ashmit has answered first. Actually, Ashmit was the first one to answer. Very nice, very nice. So you guys have been reading it properly. So I'm getting mixed answers.

फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड क्या निकालना है आपको रिमूव वॉटर फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड यू विद एच पीओ इज कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड पॉइंट एनी एसिड विच कैन यू नो रिमूवर फ्रॉम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो दिन बुक्स इट इज ऑल्सो रिटर्न एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसको तब भी बोला जाता है एसिड निखिल बेटा ध्यान से सुन राइट सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर्थोफॉस्फेरिक क्या बोला जाता है इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कैन ऑल्सो रिमूव वॉटर फ्रॉम इट सो एनी एसिड विच कैन रिमूव वॉटर फ्रॉम इट इस कॉल्ड एज ऑर्थो ऑर्थोफॉस्फोरिक उसके आगे लग जाता है वर्ड आता है ऑर्थो दट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड वॉट एवर द प्रोडक्ट यू विल गेट आफ्टर रिमूविंग वॉटर फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड इज कॉल्ड एज मेटाफॉस्फोरिक एसिड हमने ये पढ़ लिया बहुत बढ़िया अब मेरी बात सुनना वेरी ऑसम थिंग The structure structures are very very important in P block, so Always make sure if your P block is slightly on the lower side, you don't feel confident. I tell you a trick. Make sure you remember all the acids, all the structures of them, or oxy acids, all oxy acids, all phosphorus structures, all boric boron structures. You will see, you will be able to answer a lot many things. a session based. let's let's see now. So, what will be the answer? Check this out. So, we have to write. एच पी ओ थ्री इट एक्चुअली एंड यू नो इट स्टेज इन अ साइक्लिक मैनर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है दिस इज द स्ट्रक्चर दिस इज योर मेटाफॉस्फोरिक एसिड ठीक है मेटाफॉस्फोरिक एसिड नाउ चेक दिस आउट हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड यू सी वन बॉन्ड टू बॉन्ड थ्री बॉन्ड सो वॉट इज द आंसर गाइस वट इज आंसर वट इज द आंसर थ्री एज यू गाइस पॉइंटेड आउट ऑप्शन इज सी आई होप इट इज क्लियर सबको समझ आया निखिल समझ आया बेटा बहुत बढ़िया नाउ माई सेलर डू आई हैव द परमिशन टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए चल आई मूव ऑन या ना लेट मी नो ऑल राइट हाँ सो बहुत बढ़िया Next up, I love this question. Very easy, very relaxing. You can just sit back and answer. What is the answer for orthophosphoric acid? This question came in 2003, right? Orthophosphoric acid and you know, phosphorus acid is given. Yes, so 3 as well, yes. Bata Some of you are giving answers. Very nice, I like that. Alright, alright, alright.

I write like this. Okay, this is H3 PO3. This is ortho or phosphorus acid. This is called as phosphorus acid. Guys, first thing. First thing, let us clarify one thing. Okay. We'll come on reducing and non-reducing in one minute. First, let's clarify one thing. Guys, how what is the valency factor or what is the basicity of phosphoric acid? Please tell me in the comment box what is the basicity this there student gets confused 3 right how many you know what whenever hydrogen is attached to oxygen atom whenever hydrogen is attached to more electronegative ele element then it can only be fired away so here three hydrogens are such so that's why valency factor or basicity so it is it will be acidic in nature it can fire 3 h plus okay it can fire 3 h plus if i talk about this guys here valency factor or basicity what is the basicity here beta

तो यहां तक तो सब कुछ सही है यार यहां तक अच्छा ये वाला पॉइंट गलत हो गया ये वाला पॉइंट भी सही है ये वाला पॉइंट भी सही है ये ऑप्शन ऑप्शन डी इज आउट ऑफ पिक्चर पूरा बाहर है लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग ये चक्कर क्या है वॉट इज दिस रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग चेक दिस आउट हाँ टॉक अबाउट इफ आई टॉक अबाउट यू गाइज विल टेल मी आई हेल्प यू यू गाइज विल टेल मी इफ आई टॉक अबाउट एच थ्री पीओ थ्री प्लीज टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्सफोरस फर्स्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यहां पे कितना आ रहा है टेल मी गाइस व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हियर H3PO3 जल्दी से बताओ 3 समवन हैज पॉइंटेड आउट बिल्कुल सही 3 इधर आ जाओ H3PO4 टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हियर यहां पे बताओ कितना आ रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इन H3PO4 5 राइट आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस ये आता है बहुत सरल है वेरी वेरी सिंपल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं वेरी गुड नाउ गाइज चेक दिस आउट वॉट डू मीन बाय रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग मीन्स इफ आई टॉक अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स इट कैन यू नो रिड्यूस अदर इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस वेयर देर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देर इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉसफोरस कैन रीच मैक्सिमम ऑफ प्लस फाइव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल फॉर फॉस प्लस फाइव कितना है बच्चों प्लस फाइव ठीक है आप मुझे एक बात बताओ इफ यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मान लीजिए पचास फ्लोर की बिल्डिंग है एंड यू यू आर आर सिटिंग ऑन ऑन द स्टैंडिंग हैूफ टॉप क्या आप उससे ऊपर जा सकते हो कैन यू गाइज गो अब कैन यू गाइज गो अब ये और नो अगर आप बिल्कुल ऊपर वाले माले पे खड़े हो क्या आप उससे ऊपर जा सकते हो नहीं जा सकते मत वो अलग बात है कि सोल ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं ऐसा नहीं सोचना है तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो बट इफ यू आर एट द दर मिल्ड इन द बिल्डिंग यू कैन गो अप सो अपर इट इज प्लस थ्री दर इज अ स्कोप फॉर गोइंग यू नो फॉर अचीविंग हायर ऑक्सीडेशन नंबर इधर एक स्कोप है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने का क्या मेरी बात समझ गए तो यानी कि दिस विल नॉट बी रिड्यूसिंग इन नेचर एच थ्री पीओ थ्री इज डाई बेसिक एंड रिड्यूसिंग दैट्स दिस इज द करेक्ट आंसर क्या मेरी बात समझ आ गई क्या लॉजिक समझ आया रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वट इज है आई होप इट इज क्लियर ऑल राइट माई सेल्स डू आई हैव द परमिशन टू मूव ऑन आगे बढ़ जाए ए इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हैं बहुत सही ऑसम ऑसम कीप ऑन दिस जोश कीप ऑन दिस जोश नेक्स्ट अप अब आ गया बोरिक एसिड पे निम्रत बेटा ध्यान दीजिए H3BO3 व्हाट इज द करेक्ट आंसर what is the correct answer waiting for you guys all right come on come on come on I'm getting not many answers very nice beautiful let us see the logic behind it let us see the logic behind it okay they go boric acid I can write like this also B O H whole thrice I can write like this also both are same both are same check this out guys Boric acid is actually a weak acid. I will show you how. You know it reacts with water. Achha, water can give us H plus plus OH minus. This boric acid, how many electrons are there in the outermost shell of boric acid? How many electrons are there in the boron? If I ask you, how many electrons are there in that? 6 electron. It is electron deficient. Ye electron deficient. Hai. It is in need of electrons. So what will happen? This OH minus.

ठीक है प्लीज पे अटेंशन वही बता रहा हूं बच्चा बेटा दिस इज नॉट दिस इज नॉट ट्राई बेसिक दिस इज मोनो बेसिक यहां पर माइनस OH ट्रांसफर मारेगा बिकॉज बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इट रिक्वायर्स टू मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट यू नो इट्स ऑक्टेट इेट सोच माइनस विल एक्चुअली यू नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इट विल मेक अ अडिनेट बॉन्ड सो वट हैपन आई एम राइटिंग नाउ चेक दिस आउट एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट यू विल गेट दिस बी ओ एच फोर माइनस ये कैसे आया एच थ्री बी ओ एच प्लस एच टू ओ एच टू से क्या निकल के आया ओ एच माइनस इट हैज गिवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड यू एंडेड अप विद दिस दिस योर यू नो एनीथिंग विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड एज लुइस एसिड राइट एंड एनीथिंग विच गिव्स डोन इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड एज लुइस बेस क्या मेरी बात सबको समझ आई क्लियर हुआ सो इट्स अ एसिड आपका बोरिक एसिड जो है एच थ्री बीओ थ्री ऐसे बोल लो या फिर इसको इस तरीके से समझने में ज्यादा आसान रहता है मेक श्योर यू रिमेंबर इट इन दिस मैनर इफ यू विल गो फॉर एच थ्री बीओ थ्री टेकन इट अप आप इस तरीके से याद रखना एच थ्री बी ओ थ्री एंड इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन यू नो बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन आर कमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर कमिंग फ्रॉम ओ एच माइनस ठीक है सो इट इज अ अस एसिड मोनो कॉल्ड एज मोनो बेसिक क्योंकि इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बेसिक एंड आई विल काइंड ऑफ एसिड यू विल से सर इट इज यूल एसिड यू विल से सर इट इज लुइस एसिड एंड वीक लुइस एसिड ठीक है क्या मेरी बात सबको समझ आ गई है सबको क्लियर हो गया है स्ट्रक्चर बता देता हूं बच्चा किसी ने आस्क द स्ट्रक्चर चेक दिस आउट अनदर क्वेश्चन आई कैन मेक आउट ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल चेक दिस आउट एक बॉन्ड कैसे बन गया है बेटा वन बॉन्ड इज बिकॉज ऑफ द कॉर्डिनेट बॉन्ड सो ओवरऑल देर वुड बी नेगेटिव चार्ज एक कॉर्डिनेट बॉन्ड बन गया इफ आई विल आस्क यू वट इज द वट इज द द इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन दिस sp3 पी थ्री वन मोर क्वेश्चन आई कैन मेक वन मोर क्वेश्चन बी है दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 थ्री बिल्कुल से मोनो बेसिक एक ही ओ एच माइनस ले रहा है ना बेटा अच्छा वीक और स्ट्रांग का पता बेटा एक्सपेरिमेंटली लगता है ठीक है इट्स नॉट लाइक कि आप देखकर किसी एसेड को बता सकते हो कि वो वीक है क्या वो स्ट्रांग है सेम गोज फॉर द बेस इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ठीक है एच बच्चे सोचते हैं कि बहुत स्ट्रांग एसिड है नो इट्स नॉट अ स्ट्रॉग एसिड एच इज ऑल्सो अ वीक एसड कमिंग फ्रॉम द लैब इट्स ठीक है समझ आया इट्स एन एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको घबराने की उसकी कोई बात नहीं याद करने का पॉइंट है वैन टीचर टीचर्स आईने के क्लिब्रम या फिर ये सारी बातें चलती हैं तो बताया जाता है ठीक है ऑल राइट आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है आगे बढ़ता हूं

मेक श्योर यू रिमेम्बर ऑल द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपके इसके भर के आते हैं ठीक है तो गाइज आई डिस्कस ऑल दक्चर दिस इज योर फेवरेट कंपाउंड अगर मैं ऐसा लिखता एस टू ओ थ्री टू माइनस यू गाइज वुड सेट वॉट थाज कॉल्ड एज थारिक एसिड थायोसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर इज दिस

एस एस लिंकेज वुड बी देयर सल्फर सल्फर लिंकेज विलो लिंकेज बोला जाता है तो आंसर क्या बन जाएगा सीधे सी आंसर वुड बी सी टॉक अबाउट सी इज वेल टेक अ स्क्रीन शॉट आई केन आई कुड हैन मोर क्वेश्चन आई कुड हैल्फर सल्फर लिंक इज देयर

What is the shape of XeO2F2? This is also a question of chemical bonding. Chemical bonding का ही question लग गया ये तो बिल्कुल. क्या समझ आ रहा है? जल्दी से answer बताओ. What is the answer? D. You guys know this. Formula होता है. Formula में मैं जान ही रहा. EPBP बहुत simple सा तरीका होता है. This will be the way. It will be attached. देख लो. हाँ. Uh -huh. EP क्या होएगा बेटा यहाँ पे? How central atom is in EP would be central atom. How many electrons are there in the central atom of uh, how many electrons are in the valency shell of the central metal atom? It will be 8. How many monovalent atoms are attached? 2. Divided by 2. Aga 5. How many bond pairs? This is EP represents total electron pair in the structure. BP represents how many bonded electrons are there? How many bonded electrons are there? It, it is a count of how many atoms are attached. How many oxygen atoms you see? 2.

जस्ट कैलकुलेट वेन एवर ई पी वी फाइव इट इज एवर ईपीड बी फाइव इट वी एस पी थ्री डी वेन ईपीज फोर इट इज एस पी थ्री इज थ्री इट इज एस पी टू पी इज टू इट इज एस पी इट इज ऑल्सो शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग हाइब्रोडाइजेशन हाइब्रोडाइजेशन पाने का भी तरीका है चेक दिस आउट गए चेक दिस आउट चेक दिस आउट ई पी इज इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इन देंट्रल मेटल आटम तो इसका मतलब एस पी थ्री डी जिमेट्री इज वर्ट टीबीपी ट्राइगोनल प्लेनर बायपैरामिटल सॉरी ट्राइगोनल बाई पैरामिटल ड्रॉ लाइक दिस चेक दिस आउट एक लोन पेयर है लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट यू नो अच्छा बच्चों जस्ट सी एज इफ लोन पेयर इज नॉट देयर सी द स्ट्रक्चर एज इफ लोन पेयर इज नॉट देयर एज इफ लोन पेर इज नॉट देयर लोन पेयर नहीं है यहाँ पर तो कैसा लग रहा है कुछ ऐसा लग रहा है सी सो स्ट्रक्चर इमेजिन लोन पेर इज नॉट देर बचपन में झूला झूले हो सी सो राइट सो वट इज दी आंसर सी सो एवरीथिंग लॉजिक दी स्ट्रक्चर लॉजिक सो आंसर वुड बी सी सो ठीक है इसको छुपा लो कैसा लग रहा है ये जो बचपन में आपने झूला झूला होगा सी सो बिल्कुल वैसा लोन पेर छुपा ले ठीक है जी बोल गया दी आंसर सो आंसर इज सी सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सबको समझ आ रहा है ऑल right. आगे बढ़ता हूँ सबको समझ आ गया हाँ मैं साइड हो जाता हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्रेट रिस्पॉन्स वेरी नाइस इसको आंसर दे दू इसके बाद बताता हूँ तेरे को पढ़ लिया मैंने ठीक है अभी बता रहा हूँ सुन इसको आंसर दो मैं साइड हो जा रहा हूँ Check out, tell me the answer. This question came in JEE Advanced 2013, 2013, 2013 का सवाल है ये. ऑल राइट ऑल राइट बहुत सही ठीक है बहुत सही। क्या होने वाला है इट विल यू नो स्टार्ट डीकोजिंग टूटने लग जाएगा इट विल स्टार्ट गिविंग आउट NO2, O2 टू ओ टू गैस बाहर निकल के आने लग जाएगी? NO2 टू और एच टू ओ बाहर आ जाता है टू भी बाहर आता है एंड दिस एन ओ टू इज एक्चुअली ऑफ ब्राउन कलर येलो ब्राउन कलर होता है सो वॉट एवर द कलर यू सी यूर यू हैव इन योर यू नो कॉन्सेंट्रेटेड नाइटर इट इज बिकॉज ऑफ एनो टू गैस सो आंसर इज एनो टू आंसर है इसका बच्चों एनो टू तो कितने बच्चों का आंसर सही आ गया है काफी एनओ टू इज ब्राउन इन कलर ऑफकोर्स ये मूविंग ऑन रिएक्शन देख सकते हो याद कर सकते हो आगे बढ़ रहा हूं और राइट से मूविंग ऑन मूविंग ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर है बड़ा हैवी सवाल है यार एंड दिस क्वेश्चन केम इन एडवांस 2016 2016 का सवाल है ये रीड दिस आउट प्लीज रीड इट ध्रुव बेटा ब्रॉन्सटेड एसिड वो होता है जब एनी एसिड कैन गिव एच प्लस आयन विदाउट कोई सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता ठीक है in uh, in your you know arenous acid water should be there then uh, then it will dispense H plus ion solvent का role बहुत important रहता है arenous में Bronsted में solvent का role हटा दिया गया है ठीक है so वहाँ पे भी H plus ही देगा वो and base will give OH minus but the thing is solvent requirement is not there I have answered you as well through आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर बच्चों answer is yes let's talk about the answer देखो बच्चा this is 13th group we were expecting as we move down the group balganga in thailand trick to remember Bal Ganga in thailand right so as you move top to bottom as you move from top to bottom size should increase so we were expecting that aluminum should be of smaller size and gallium should be of bigger size but to our surprise to our surprise you know uh, the size of gallium shrunk down gallium become, became smaller in size than aluminum what is this happening why it is happening i'm explaining now what is the logic behind it check this out इज एन एक्सेप्शन बहुत अच्छा एक्सेप्शन है जई एडवांस में आया क्वेश्चन के एन जई एडवांस टू थाउजेंड सिक्स चेक दिस आउट अच्छा इफ आई टॉक अबाउट गेलियम एंड एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम इज थर्टी गेलियमिक विल राइट ऑन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स राइट फोर एस टू थ्री डी टेन देन वट विपन

दे विल नॉट बी एबल टू शील द न्यूक्लियस प्रॉपरली सो दिस न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से उसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएगा आई यू गेटिंग माई पॉइंट दिस इज कॉल्ड एस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बिकॉज डी ऑर्बिटल इज वेरी बिग इन साइज इट कॉन्ट शील और इट कॉन्ट यू नो शील दिस इट कैनॉट सराउंड न्यूक्लियस

बेहतरीन 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 चेक दिस आउट क्या होने वाला है बच्चो लेट मी सीव अट आई है एम टी स्लाइट दो बाद में देखता हूं इसको यहां लिख रहा हूँ बड़ा सिंपल सा सीक्वेंस है आई एम राइटिंग हेयर वॉट विल बी एक्स हेयर बच्चो एस टू ओ थ्री टू माइनस दिस इज थोसल्फेट रिएक्ट विथ ए जी प्लस इट विल फॉर्म अम्प्लेक्स ए जी एस टू ओ थ्री होल्डस थ्री माइनस कहा थ्री माइनस दे रखा है यहां दे रखा है यहां दे रखा है अच्छा ये तो सब गलत हो गए आई थिंक मेरा आंसर सीधे ही आ गया मेरे को सीधा ही आंसर आ गया ठीक है ऑल राइट ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स बनता है सीधे आंसर दिख गया मुझे एक चीज करते ही दूसरी चीज सुनो दिस इज योर एक्स दिस इज योर एक्स इन दिस एक्स इफ इन दिस एक्स कंपाउंड आई एल एड ए जी प्लस बच्चो इट विल स्टार्ट नो इट विलइट पीपीटी वाइट पीपीटी संजू बेटा रुक जा पीपीटी और पीपीटी क्या होगा ए जी टू एस टू ओ थ्री दिस इज अ वाइट कलर पी यह आ गया यहां पर बट इफ यू कीप दिस कॉम्पलेक्स इफ इफ यू कीप दिस कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग इट विल स्टार्ट डिसोसिएटिंग इट विल स्टार्ट डिसोसिएटिंग ये सब डिसोसिएट होना लग जाएगा और ये कैसे डिसोसिएट होके आपको ये ब्लैक कलर का पीपीटी दे पूरा सीक्वेंस समझ लिया ये जेई का सवाल था आगे बढ़ रहा हूं दो हजार सोलह का सवाल था ये थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट था दिस यू हैड टू लर्न ये आपको लर्न करना पड़ जाएगा आगे बढ़ूंगा अच्छा आपने नोटिस करा हमेशा हमेशा पैटर्न स्ट्रक्चर्स में आ रहा है स्ट्रक्चर्स रिपीट हो रहे हैं ठीक है तो मेक श्योर यू ऑल्सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मूविंग ऑन अब यहाँ पे बात करें अब यहाँ पे बात करेंगे द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोराक्स बोरेक्स हैज़ इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है प्लीज़ बी केयरफुल एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है तो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स multiple correct question this question came in jee advanced 2016 very nice Bato. No. a b c d nahi a b c d nahi maza raha maza aayega a and c i'm getting a and c's okay let me give you give you the field theory then we'll discuss the answer then we'll discuss the answer check this out so i'm giving you the theory theory तो बोरैक्स इज बी फोर ओ फाइव ओ एच होल फोर आई एम राइटिंग है बेटा दिस इज बोरेक्स स्ट्रक्चर बनाता हूं थोड़ा ऐसे बनाता हूं दिस इज बोरेक्स Check this out, guys. This is borax B4, O5, OH4, and 2 minus. This is your Borax. Guys, can you tell me? This guy's can you tell tell me what is the hybridization of this boron? What is the hybridization? Check, tell me out Jaldi What is the hybridization? How many bonds you see? Two? Three bonds, sorry, sp2. How many bonds you see here? Three sp3. So there are two types of boron. इज एसपी थ्री इज एस पी टू हाइब्राइज एंड ईच बोर क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या मेरी बात समझ आ रही है सो वट शुड बी द करेक्ट आंसर गाइज द आंसर शुड बी मैं हटा दे रहा हूं एक बार देख लो चाहे स्क्रीन शॉट ले लो टेक स्क्रीन शॉट वन टू थ्री दिस इज करेक्ट टेट्रा न्यूक्लियर दिस इज करेक्ट टेट्रा न्यूक्लियर इज करेक्ट अरे यारेली रेली सॉरी मतलब यह सही है ऑल बोरहन बिल्कुल गलत ऐसा कुछ नहीं होने वाला इक्वल नंबर ऑफ एसपी टू एंड एसपी थ्री हाइब्रडाइज बिल्कुल सही वॉट अबाउट वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरहन एटम सो आंसर करेक्ट आर ए C and D. How many of you got it right? So A, C, D. A, C, D. B is incorrect. B is incorrect. B is incorrect. All right. Correct. आगे बढ़ो. Moving on. जल्दी-जल्दी करेंगे. अच्छे-अच्छे सवाल हैं. भारी-भरकम सवाल लेके आया हूँ. जल्दी से बताओ बच्चा. Next question again. J advance. Waiting for you guys to answer. The nitrogen containing compound produced in a reaction of HNO3 with P4O10. can you guys tell me it is also a multiple choice answer multi -correct है ये भी ध्यान से रखना बेटा एक ek sp3 था पहले और एक sp2 tha था तो can they be in same plane theek ठीक है सविता प्लेन के होने अंदर होने के लिए क्या हाइब्राइजेशन होनी चाहिए एसपी हाइब्राइजेशन होनी चाहिए एक ही प्लेन में रहेगा ठीक है, थीक है? थीक है? एसपी एस पी इधर क्या आंसर आ रहा है बेटा लेट्स टेक दिस आउट सो बड़ा सिंपल सा है ये इधर आपको बस इतना याद रखना है वेन एवर यू विल रिएक्ट यू नो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रोड्यूस ऑन द रिएक्शन ऑफ एच एन ओ थ्री जब रिएक्ट करता है पी फोर ओ टेन से इट गिव्स यू एन टू ओ फाइव और आपका फेवरेट मेटाफॉस्फोरिक एसिड मेटाफॉस्फोरिक एसिड दिस एन टू ओ फाइव इज द गैस रिलीज इज द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ एन टू ओ फाइव इज दिस चेक दिस आउट एंड इट इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर ठीक है ये डाया मैग्नेटिक है नेचर में डी यू गाई सी एनी एन एन लिंकेज डी यू सी एनी एन एन लिंकेज देर इज नो एन एन लिंकेज देर इज नो एन एन लिंकेज तो दिस मीन्स दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग ठीक है कैन बी प्रिपेयर बाय द रियाक्शन ऑफ पी फोर एच एन ओ थ्री बिल्कुल सही ये भी सही हो जाएगा ए भी सही हो जाएगा ए भी सही हो जाएगा वॉट अबाउट सोडियम एंड ब्राउन लेट्स वेन यू रिएक्टेड विद यू रियक्ट एन टू ओ फाइव विद एन एट गिवस यू बेटा एन ए एन ओ थ्री प्लस एन ओ टू एंड दिस गैस इज ऑफ ब्राउन कलर यू गाइज ऑलरेडी पॉइंटेड दैट आउट सर ये ब्राउन कलर की होती है आपने ही बताया था तो आंसर क्या आ जाएगा ए बी एंड डी आई होप इट इज क्लियर सबको समझ आ गया है आई एम गेटिंग करेक्ट वेरी गुड संजू इट्स गुड फॉर यू मैन ऑल राइट आगे बढ़ रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा हैवी है ये क्वेश्चन आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन केम इन जय एडवांस इट वॉज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन जल्दी से बताओ थ्री मोल्स ऑफ बी टू एच सिक्स आर कंप्लीटली रिएक्टेड विद मिथेनॉल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरॉन कंटेनिंग प्रोडक्ट फॉर्म इज कितने मोल आएंगे रे बताइए जरा आदि ने दिया थ्री किसी ने पूछा कैसे डाया मैग्नेटिक था बेटा वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करो Uh, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरे सिस्टम में चेक कर लेना बेटा ठीक है स्ट्रक्चर मैंने बनाई दिया है मेक द लोन पेयर्स यू विल गेट ओनली लोन पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर ऑलवेज पेयर सो आई हैव आल्सो आंसर्ड यू सो आई एम गेटिंग फोर कुछ कुछ आंसर आ रहा है ट्राई 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 अजय बेटा ट्राई करो फिलअप दी आंसर गिव दी आंसर राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर ट्राई आई एम इंटरेस्टेड इन दैट Right, right, right. चलिए, the बारे में पक्का नहीं है है बेटा. चेक दिस आउट। लिख देता हूं आपके सामने. आपका फेवरेट B2H6, जब आप इसे करा रहे हो मितनौल से, मितनौल से not so favorite, है ना? तो इनसे जब रिएक्ट कराओगे थोड़ा अलग अलग दूर दूर लिखते जब मिथेनॉल से रिएक्ट कराओगे और इसने बोल दिया आपने फिक्स कर दिया तीन मोल तो बेटा यहां पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बी ओ सी एच थ्री का होल थ्राइस ठीक है अब मुझे बताओ कितने बोरान है और साथ साथ यू नो हाइड्रोजन गैस वुड बी रिलीज मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कितने बोरान है थ्री टू जन सिक्स तो मैंने बैलेंस करने के लिए सिक्स लगा दिया आंसर यहीं से दिख गया क्या आंसर यहीं से दिख गया कितने मोल जाएंगे मुझे बैलेंस आगे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर करोगे तो यह अट्ठारह आएगा ये भी अट्ठारह ही आएगा हाइड्रोजन ही आएगा ना चेक कर लेना हाइड्रोजन ही आएगा BCS3, हाँ जी हाइड्रोजन ही आएगा बिल्कुल सही यहां पे भी अट्ठारह लग जाएगा सो डिड यू गाइज अंडरस्टैंड सिक्स किसी ने दिया था बहुत बढ़िया तो आंसर इज हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड यू विल से सर सिक्स मोल्स आर रिक्वायर्ड सो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था आंसर हो गया यहाँ पे सिक्स और ये दो हजार पंद्रह में पूछा गया था जय एडवांस क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टीन क्वेश्चन इट वॉज सिक्स सिक्स इज द करेक्ट आंसर आई होप इट इज क्लियर वेरी गुड गिरीस इफ यू आर करेक्ट सॉरी आई कंड सी दैट काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था सो डो नॉट माइंड मी इफ आई एम नॉट सेम ठीक है बहुत सारे कॉमेंट्स आ जाते हैं कभी कभार ठीक है जी ऑल राइट माई सेल्स ठीक है मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलीकेट इन विच थ्री ऑक्सीजन आइटम्स आर शेयर एस आई ओ फोर फोर माइनस ये बड़ा आसान सवाल है वैसे 2005 का सवाल है इस पे सवाल आते रहते हैं रिपीट होता रहता है मैं आपको पूरा चिट्ठा ही खोल देता हूं जब भी आपका टेट्राहाइड्रन ये होता है आप देख रहे हैं यहां पे ऑक्सीजन होता है यहां पे ऑक्सीजन होता है दिस ऑक्सीजन गेट्स शेयर्ड और ये मतलब स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है ठीक है इफ थ्री ऑक्सीजन एटम्स गेट शेयर बिटवीन द अ दिसड्रन थ्री ऑक्सीजन आइटम्स गेट शेयर बिटवीन ये तीन ऑक्सीजन आइटम अगर शेयर हो जाए तो उसको आप बोल देते हो शीट सिलिकेट यहां बेटा दो ऑक्सीजन शेयर होते हैं तो आप उसे बोलते हो लीनियर जो टेट्राइड्रन के बीच में अगर दो ऑक्सीजन आइटम इफ टू ऑक्सीजन आइटम्स से बहुत सिंपल सा पॉइंट है जब आपसे बोले थ्री डायमेंशनल मतलब यही आया डायमेंशनल में जीरो नो नो ऑक्सीजन इज शेयर नो ऑक्सीजन ट्रिक बता रहा हूं बड़े आराम से नो ऑक्सीजन इज शेयर एंड इन पायरोड वन ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन आइटम इज शेयर क्या मैं अपनी बात सही तरीके से बोल पाया मैं फिर से बोलता हूं दिस इज योर टेट्राहाइड्रन एस आई ओ फोर फोर माइनस यू कैन सी देर आर फोर ऑक्सीजन इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ यू नो

इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ठीक है टेट्राइन का स्ट्रक्चर देखा है यार मेरे पास जुगाड़ नहीं है अभी पेन नहीं है नहीं तो आपको टेटराइडन दिखा देता ट्राई देखा है ना एक आपकी तरफ आ रहा होगा एक पीछे जा रहा होगा एक ऊपर हो रहा होगा ठीक है दैट विल बी दैट उसके बाद वेन देर इज वन ऑक्सीजन एटम शेट बिटवीन दू टाहीडन यूनिट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पायरोट आई होप इट इज क्लियर सबको समझ आ गया बहुत है बहुत बढ़िया दनवेश आपको समझ आ गया है ऑल राइट मूविंग ऑन ऑल राइट सो वी आर ऑलमोस्ट एट दो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट लव द सेशन आपको मजा आ रहा होगा एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर आप चाहते हैं यू वॉन्ट टू रिवाइज योर एंटायर ट्वेल्थ क्लास एंड इलेवेंथ क्लास वी हैव अ क्रैश कोर्स रनिंग अप एंड रनिंग इट इज दर एंड इफ यू विल यूज माई कूपन कोड दैट इज एच एम सी सी तो यू विल गेट अ हैवी डिस्काउंट ये कूपन कोड है मेरा ठीक है यू विल गेट अ हैवी डिस्काउंट बहुत अच्छा डिस्काउंट आने वाला है आपको मिल जाएगा ठीक है तो यूज माई कूपन का कोड एंड बी अ पार्ट ऑफ माई सेशन पार ऑफ विधान थ्रो एक्चुअली मेरा सेशन तो आपको मिल ही रहा है ठीक है आप और भी चीजें जान जाएंगे ठीक है ऑल राइट मुझे लगा आपको मजा आ रहा है एंड इफ यू आर एंजॉइंग इट प्लीज डोट बी यू नो माइजर इन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आगे शेयर भी करो सब्सक्राइब भी करो ऑल राइट ठीक है तो इफ यू गाइज लाइकिंग इट शेयर इट मेक श्योर इट्स रीच आउट टू यर फ्रेंड जो भी पढ़ रहे हैं ठीक है मेक श्योर पास इज ऑन गिव अट द लाइक ठीक है कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब ऑल राइट दिस इज इट फॉर मी टू डे सी यू नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर रहेगा ऑलराइट लोग